थाना समरयाल में पुलिस हिरासत में तशद्दुद से हलाक होने वाले बशीर मसीह के लवाहिकीन के हमरा वफद की डीपीओ से मुलाकात। डीपीओ ने बशीर मसीह के लवाहिकीन और वफद को मुकम्मल तौर पर इंसाफ की फरहमी की यकीन दहानी करवाई। डीपीओ सियालकोट फैसल कामरान ने मकतूल बशीर मसीह के लवाहिकीन के हमरा आए हुए वफद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बशीर मसीह के कातलों को कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। जो भी जुल्म करेगा वो कानून की गिरफ्त में आएगा और इसे कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। डीपीओ सियालकोट से मुलाकात करने वाले वफद में जवेद गिल, पास्टर रावल एम जॉयल, प्रोफेसर शफकत चीमा, साबिक मेंबर तहसील कौंसिल तारिक तबस्सम, शहजाद खोखर, डॉक्टर चांद, अरशद मसीह, सरफराज सहोत्रा, राशिद भट्टी, इकबाल चीमा, बशीर चीमा, शमस चीमा, जहूर चीमा, महमूद चीमा, सुलेमान प्लेयर, असगर चीमा, अरशाद घुमन, रजाक बाजवा, शाकी पहलवान, शौकत सोत्रा, आकब रियाज, सलमान रशीद, अली हसन जफरवाली के चीमा ब्रादरान के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने डीपीओ सियालकोट से मुलाकात की और इनसे मुतालबा किया कि 5 बच्चों के बाप के कातलों को कैफर करदार पहुँचाया जाए। जिस पर डीपीओ सियालकोट ने आए हुए वफद को यकीन दहानी करवाई कि जो भी बशीर मसीह के कत्ल में मुलव्वस है इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।